सनातन का अपमान अब नहीं सहेगा भारत। सनातन के सम्मान में मैदान में उतरे योगी बाबा। सनातन के खिलाफ जहर उगलना अब पड़ेगा भयंकर भारी। अब योगी बाबा लेंगे सनातन के अपमान का बदला। रावण का अहंकार, कंस की हुंकार और औरंगजेब का अत्याचार, अनादि सनातन को कोई मिटा नहीं पाया। सनातन के खिलाफ बोलने वाले मोदी विरोधियों के काल बने योगी बाबा। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। भारत की सनातन परंपरा पर उंगली उठाने का प्रयास हो रहा है। सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा? अपनी मूर्खता वश कर सूर्य की तरफ फूकने का प्रयास कर रहा है तो सूर्य पे उसका थूक नहीं पहुंचेगा। हिंदू कश्यप ने ईश्वर की और सनातन धर्म की अवमानना करने का प्रयास नहीं किया था। जैसे सत्य है शाश्वत है, ऐसे सनातन धर्म भी सत्य है शाश्वत है। अब ना ही सनातन का अपमान सहा जाएगा और ना ही सनातन विरोधियों को बख्शा जाएगा, क्योंकि अब सनातन के सम्मान में भगवादारी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैदान में उतर चुके हैं। काम में नंबर वन, लोकप्रियता में नंबर वन और देश के नंबर वन मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ अब सनातन के खिलाफ जहर उगलने वालों को किसी भी कीमत में बख्शने वाले नहीं हैं। देश की मौजूदा स्थिति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दबदबा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। यूपी की तस्वीर बदल चुके योगी बाबा लोकप्रियता के प्लेटफॉर्म पर सबसे आगे हैं। सोशल मीडिया में पीएम मोदी के बाद योगी का नंबर है, जिनके ट्विटर एक्स पर 26 मिलियन फॉलोवर्स हैं। योगी बाबा का यूपी मॉडल गुजरात मॉडल को भी पछाड़ चुका है और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि अपराध पर अंकुश लगा चुके योगी बाबा के लिए सनातन की कितनी बड़ी अहमियत है। भारत को हिंदू राष्ट्र बता चुके योगी बाबा कई दफा ये बोल चुके हैं कि सनातन धर्म शाश्वत है जो कभी मिट नहीं सकता और यही अटल सत्य है। और आज जब डीएमके की तरफ से सनातन को डेंगू मलेरिया कोरोना और अब तो एचआईवी और एड्स जैसी जानलेवा बीमारी बताई गई तो सनातन को जड़ से मिटाने की बात कही गई, एक्शन में आए योगी बाबा ने इन सनातन विरोधियों के लिए विध्वंसकारी भविष्यवाणी करके दुनिया को चौंका दिया। देखिए सनातन के अपमान पर इस बार क्या बोले हैं योगी बाबा। जहां पूरा देश आज गौरव की अनुभूति कर रहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव के बाद अमृत काल में नई उपलब्धियों के साथ भारत दुनिया के अंदर जाना जा रहा है, तब इन उपलब्धियों को कहीं ना कहीं कमजोर करने के लिए उनके द्वारा भारत, भारतीयता, भारत की सनातन परंपरा पर उंगली उठाने का प्रयास हो रहा है, विरासत को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है, विरासत के प्रति समाज की दृष्टि को कमतर करने का कुचित प्रयास हो रहा है। लेकिन इनसे सब भूल गए कि जो सनातन नहीं मिटा था रावण के अहंकार से, जो सनातन नहीं टिका था कंस के हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा था बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से, वह सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा? आज इनको स्वयं अपने कृत्यों पर लज्जित होना चाहिए। मानवता का धर्म जो सनातन धर्म है उस पर उंगली उठाने का मतलब मानवता को संकट में डालने का कुत्सित प्रयास। याद करिए दुनिया की कौन सा ऐसा मत, मजहब और संप्रदाय है जिसको उसके संकट के समय पलक पावड़े बिछा करके उसके स्वागत के लिए सनातन धर्मावलंबियों ने उनकी सुरक्षा और उनके संरक्षण का कार्य न किया हो। हमने कभी नहीं कहा कि हम विशिष्ट हैं। कोई सनातन धर्मावलंबी कभी ये नहीं कहता है कि हम विशिष्ट हैं या हम ही सब कुछ हैं, कभी नहीं कहा। हमने तो कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक है और विद्वान लोग उसको अलग अलग, महापुरुष लोग उसको अलग अलग भावों से देखते हैं, अलग अलग रास्ते से उसका अनुकरण करते हैं।
इस सब के बावजूद भी अगर जिसकी समझ में नहीं आता है, अपनी मूर्खता वश वह अगर सूर्य की तरफ थूकने का प्रयास कर रहा है तो सूर्य पे उसका थूक नहीं पहुंचेगा, उसके सिर पे स्वयं गिरेगा और उसे उसको और उसकी आने वाली पीढ़ी को स्वयं लज्जित होना पड़ेगा। हमें भारत की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए, दुनिया को मानवीय कल्याण के मार्ग पर चलने वाली प्रेरणा देने वाले सनातन धर्म की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। ये भारत की राष्ट्रीयता का प्रतीक है, भारत को एक नई प्रेरणा देने का माध्यम है, दुनिया के अंदर मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला माध्यम बनता है जब भारत के शिष्टी नेतृत्व में आगे बढ़कर के एक साथ कार्य करेगा तो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जो लोग भारत की प्रगति और भारत की समृद्धि जिनको अच्छा नहीं लगता, वे लोग कुछ ना कुछ व्यवधान पैदा करने का प्रयास करेंगे। हम लोगों को इनकी परवाह के बगैर अपने पद पर अग्रसर होना होगा, क्योंकि एक काल में नहीं हुआ, हर काल में सत्य को झुठलाने का प्रयास हुआ है। क्या रावण ने झुठलाने का प्रयास नहीं किया था? क्या उससे पहले हिरण्यकश्यप ने ईश्वर की और सनातन धर्म की अवमानना करने का प्रयास नहीं किया था? क्या कंस ने ईश्वरीय सत्ता को चुनौती नहीं दी थी और ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देने वाले आज क्या कर रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है? सब कुछ मिट गया, कुछ नहीं बचा है। लेकिन ईश्वर जैसे सत्य है, शाश्वत है, ऐसे सनातन धर्म भी सत्य है, शाश्वत है। हमें सत्य और शाश्वतता को सदैव अंगीकार करके सकारात्मक भाव के ऐसे आगे बढ़ना चाहिए।